चित्तगुप्त मंदिर सभा के नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रविवार को मंदिर के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जनपद न्यायाधीश अभय प्रकाश ने किया। इस अवसर पर अपर जिला जज ने नई कार्यकारिणी के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर सभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष सर्वत्र लाल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव, संजय वर्मा, राजेश श्रीवास्तव, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, रोली श्रीवास्तव, मंत्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री डॉक्टर अंकुर कुमार श्रीवास्तव, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव तथा सदस्य के लिए सती कुमार वर्मा, शीतल प्रसाद श्रीवास्तव, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव तथा संपदा प्रबंधन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने शपथ ली। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश अभय प्रकाश ने कहा, हम अपने कार्यक्रमों में आगे बढ़ेंगे और हम जीवन के हर क्षेत्रों में प्रगति करते हैं। महिला समिति जो निर्वाचित हुई है वो मैं अपने मंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, सदस्य कार्यकारिणी के तरफ से बाबूलाल जी हाल में आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं यहाँ आए हुए हमारे पूर्व अध्यक्षगण, जिनका के आशीर्वचन हमको मिलता रहा है, उन सबका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आज हम उनको जरूर याद करेंगे जो हमें विगत 4 वर्षों में मेरे कार्यकाल में मुझे छोड़ के चले गए थे। हम उनको अपने अस्पृत नेत्रों से भावनी संतान देते हैं। अरे हम लोग बैठते थे नीचे, यहाँ बैठते तब मान लो जो कुछ कार्य होता था मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। सवाल इतना भूतों में भविष्य किस तरह का अभियान एक संस्था द्वारा नहीं लगाया गया था। इसी तरह पढ़ने में क्षेत्र में एक कैंप लगा जिसमें 8 बजे रात तक चलता रहा, जो इस शहर के लगभग घर घर में जाकर नागरिकों को जागरूक करना कि आप मंदिर जाएं, मंदिर की कृपा बढ़ेगी। आप क्या ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी के शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा गोरखपुर के अध्यक्ष पद के रूप में सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा समर्पित रहूँगा तथा सभा के संविधान, नियमों और गौरवशाली परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सदैव सचेष्ट रहूँगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्री चित्रगुप्त सभा माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी सदैव चित्रांश परिवारों की एकता, प्रेम और भाईचारे में वृद्धि के साथ साथ सभा और राष्ट्र के उत्थान के प्रति समर्पित रहूंगा तथा सभा की मर्यादा को अक्षुण रखते हुए इसकी बैठकों एवं आयोजनों में उपस्थित रहने की चेष्टा करूंगा। मैं संत प्रकाश श्रीवास्तव सर्व निष्ठापूर्वक भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं चित्रगुप्त मंदिर सभा गोरखपुर के मंत्री पद के रूप में सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा समर्पित रहूँगा तथा सभा के संविधान, नियमों, गौरवशाली परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सदैव सचेष्ट रहूँगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं चित्रगुप्त सभा के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी सदैव चित्रांश परिवारों की एकता, प्रेम और भाईचारे में वृद्धि के साथ सभा और राष्ट्र के उत्थान के प्रति समर्पित रहूँगा तथा सभा की मर्यादा को अक्षुण रखते हुए इसकी बैठकों एवं आयोजनों में उपस्थित रहने की चेष्टा करूँगा। मैं उपाध्यक्ष श्री चित्रांश राजेश श्रीवास्तव, चित्रांश संजय वर्मा, चित्रांश राजीव श्रीवास्तव, चित्रांश अखिलेंदु कुमार श्रीवास्तव पूर्व निष्ठापूर्वक भगवान श्री चित्रगुप्त जी के
इस शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्री श्री समूह बंधु सभा गोरखपुर के उपाध्यक्ष पद के रूप में सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा समर्पित रहूँगा तथा सभा के संविधान नियमों तथा गौरवशाली परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सदैव सचेत रहूँगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करते हुए आप सभी लोग माला पहन के मंच पे पीछे आ जाइएगा संयुक्त मंत्रीगण के शपथ ग्रहण के लिए। मैं आमंत्रित कर रही हूँ पूर्व अध्यक्ष श्री अभिनंदन श्रीवास्तव जी को, श्री हरिनंदन श्रीवास्तव जी संयुक्त मंत्रीगण। आप लोग भी पीछे मंच पे मंत्रित कर रही हूँ कमला कांत जी को पूर्व अध्यक्ष। कार्यकारिणी के सदस्यों का जो लोग सदस्यता जिन्होंने भरास्तव श्रीमती शशि श्रीवास्तव आप लोग जिसका जिसका धन्यवाद। सुमन वर्मा, श्याम कुमार श्रीवास्तव, श्याम कुमार श्रीवास्तव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, इनके सभी मीडिया बहुत बहुत स्वागत मीडिया सुदीप जैन सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। इस शपथ रूप से आगे चलेंगे क्योंकि अब नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। नई कार्यकारिणी अपने कार्यभार को ग्रहण करने का शपथ ले चुकी है। आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो नई कार्यकारिणी बनी है उनको हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो गैर समाज के विकास के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहे, काम करते रहे और इस माहौल में गैरसों का विकास बहुत अनिवार्य है, इसलिए आवश्यक है। यहाँ पर अध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव जी हुए हैं, महामंत्री पद के लिए हुए, उपाध्यक्ष के पद के लिए हुए हैं।